हेलो दोस्तों, अंजलि की रेसिपी में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ ब्रेड पकौड़ा गर्मा गर्म आपके लिए। ठंडी हो और चाय हो और ब्रेड पकौड़ा साथ में तो मज़ा ही आ जाएगा दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं दोस्तों, आज मैं ब्रेड पकौड़ा रेसिपी आप लोगों को बताऊँगी। देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए। बहुत ही प्यारे प्यारे हमारे ब्रेड पकौड़े तैयार होंगे। कैसे हैं आप सब बताइए, मेरी रेसिपी देखने के लिए बने रहिए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, अगर पसंद आए मेरी रेसिपी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, मगर एक बार हाँ देख तो लीजिए कैसे बनेगी रेसिपी। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तो हमने यहाँ 30 रुपए के ब्रेड मंगा लिए हैं दुकान से, और सारे ब्रेड को हम निकाल लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हम कुकर में आलू रख दिए हैं, दो सीटी हो गई है। ये को निकाल के लेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। एक कढ़ाही लेंगे, आलू तलेंगे, जीरा डाले हैं, मिर्ची डाले हैं, प्याज डाले हैं, साथ में देखिए आलू डाले हैं। हम मसाले डालेंगे, अमचूर पाउडर, गोल्डी मसाला, हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, इन सबको मिक्स कर लेंगे। तो ब्रेड को तिरछा काटना है। ये देखिए दोस्तों, तो चलिए कट कर लिया है। हम बेसन का घोल बनाएंगे दोस्तों। तो नमक, मिर्ची, हल्दी, अजवाइन, ये सब डाल के बेसन का घोल बना लेंगे दोस्तों। ब्रेड कट कर रही रखे थे, उसमें आलू डालेंगे कि बेसन के घोल में टिप करेंगे। हमारा तेल हो गया है, इसमें डालेंगे। तो देखिए कैसे फूले फूले हमारे ब्रेड तैयार हो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को अपनी रेसिपी बता दी है। देखिए कितने प्यारे दिख रहे हैं, एकदम ढाबे स्टाइल दोस्तों। एक बार बना के ज़रूर देखिएगा आप लोग। ये देखिए दोस्तों, एकदम गर्मा गर्म दिख रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।